सभी मित्रों को नमस्कार। प्रयाग शुक्ल जी पर जारी एकाग्र की इस 22वीं कड़ी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम प्रयाग शुक्ल जी की कला की दुनिया में किस तरह की सक्रियता रही, इसको लेकर बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक कश्यप जी। अभिषेक जी, आप सभी जानते हैं, लेखक हैं, संपादक हैं, संस्कृति कर्मी हैं, और प्रयाग जी के लेखन के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। उनकी किताब हुसैन की छाप का संपादन भी अभिषेक जी ने किया, जिसमें अनुपूरक सामग्री के रूप में कई अन्य लेखकों के भी आलेख हैं। इसी तरह प्रयाग शुक्ल जी की कला पर लिखी गई सामग्री जो वर्षों की है, दशकों की है, उसका भी संग्रहण और संपादन का कार्य अभिषेक कश्यप जी ने किया कला की दुनिया में। और इन दोनों ही पुस्तकों के लिए अपनी ओर से संपादकीय लिखा। ऐसे में एक कला समीक्षक के रूप में प्रयाग शुक्ल जी का क्या महत्व है, दशकों की उनकी सक्रियता किस तरह की रही, इन सब पर अभिषेक जी हमारे साथ बातचीत करेंगे। आप सभी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। जी अभिषेक जी, नमस्कार। धन्यवाद अर्पण कुमार जी, इस अहम चर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए जनफलो पुस्तकालय और आपका हार्दिक आभार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रयाग जी एक बहुमुखी प्रतिभा के हिंदी के रचनाकार रहे हैं। वो कवि रहे हैं, कथाकार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं। इसके अलावा लंबे समय तक उन्होंने पत्रकारिता की है, हिंदी पत्रकारिता का, जो जिसने एक स्वर्णिम इतिहास रचा दिनमान, उसके साथ लंबे समय तक वो संबद्ध रहे हैं प्रयाग जी। तो और जहां तक मेरा संबंध है, प्रयाग जी हम हिंदी के उन लेखकों में हम अपने आप को मानते हैं जिनका प्रयाग जी से जो परिचय है, वो एक कवि, एक संपादक, कवि कथाकार या उपन्यासकार की तुलना में उनका प्राथमिक परिचय जो मेरे साथ हुआ, वह एक पत्रकार और एक कला समीक्षक के रूप में हुआ। इसकी वजह है कि हमारे बचपन में अभी भी स्मृति है कि दिनमान के पुराने अंक थे जो हमारे यहाँ रखे हुए थे। उस समय सभी अच्छे पढ़े लिखे घरों में, खास तौर से हिंदी पट्टी के सभी अच्छे जो हैं मध्यवर्गीय परिवार हैं, उसमें दिनमान पत्रिका एक तरह से अपरिहार्य थी। तो बचपन में हमने दिनमान पत्रिका, और उसके बाद एक लंबे अरसे तक, किशोरावस्था तक, हमने नवभारत टाइम्स में, प्रयाग जी दिनमान के बाद वो नवभारत टाइम्स में रहे, तो उसपे एक पत्रकार के रूप में और एक कला समीक्षक के रूप में आपका मेरा जो प्रयाग जी से परिचय हुआ। हमने अपनी भूमिका में लिखा भी है कि जो आपका 1990 की बात है, हमने दिनमान में ही पहली बार जब वॉन वॉक के, मेरा ख्याल है कि उनके 100 साल पूरे हुए थे, तो प्रयाग जी ने काफी एक लंबा लेख दिनमान में लिखा, और उसी में हमें वॉन वॉक के कला से हमारा परिचय हुआ। और उसमें वो चित्र जो सूरजमुखी का था, उसकी उस समय बहुत चर्चा थी कि वो काफी बड़ी कीमत पर वो चित्र जो थी वो आपकी नीलामी में उसकी बिक्री हुई थी। तो उसके बाद फिर संडे मेल में भी उस पर स्टोरी पढ़ा। लेकिन एक कवि के रूप में, एक कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में तो प्रयाग जी से मेरा परिचय हुआ ही आगे चलकर। लेकिन शुरुआती परिचय जो प्रयाग जी से था, क्योंकि नवभारत टाइम्स में वो लिखते रहते थे, तो
और भी लेख लिखते थे, कला पर भी लिखते थे और दूसरे विषयों पर भी वो लिखते थे। तो एक पत्रकार के रूप में और एक कला समीक्षक के रूप में प्रयाग जी से मेरा पहले परिचय हुआ, और कवि और लेखक के रूप में उसके उसके बाद परिचय हुआ। जी अभिषेक जी, ये अच्छा होगा जब इन पुस्तकों की चर्चा हो रही है तो क्यों नहीं उसके संपादकीय में से कुछ एक अंशों को पढ़ें, तो उससे हम विधिवत ये आपकी जो है, दृष्टि जी पाएंगे। जी जी ये जो कला की दुनिया में है, इसमें करीब करीब उनका लिखा हुआ पिछले 50 साल में जो उन्होंने कला पर जो लिखा है, ठीक है ना, दृश्य कलाओं पर जो लिखा हुआ है, उसमें से करीब करीब अधिकांश महत्वपूर्ण लेख इस किताब में आ गए हैं। इसमें आपका ये कुल 630 पन्ने की किताब है, जो हमने करीब करीब 1.5-2 साल के अंतराल में सारी सामग्री इकट्ठी करना, प्रयाग जी से लेना, कुछ ललित कला एकेडमी के पुस्तकालय से, और जगह जगह से सामग्री जुटा गया। क्योंकि प्रयाग जी के साथ एक खास बात यह है कि प्रयाग जी हमेशा नए नए कामों में लग जाते हैं, तो जो चीजें उनका पिछला लिखा हुआ है वो कई बार वो काफी अस्त व्यस्त भी होता है, तो बहुत सारी चीजें तो उनसे के बाद से मिल गई, लेकिन बहुत सारी चीजें अलग अलग पुस्तकालयों से, अलग अलग जो मित्रों से इसमें इकट्ठी की गई है। जहां तक मेरा इसमें तो हमने इसकी संपादकीय में तो हमने प्रयाग जी के कला के बारे में जो मेरा नजरिया, उनके काम के बारे में जो है, ये इसकी भूमिका आधी सदी का आत्मीय सफर में ये जो है कि हमने पूरे इसकी चर्चा की है। लेकिन कुछ इसमें से हिस्से, जैसे कि आपका आग्रह है कि अपन पढ़कर सुनाए, तो मुख्य रूप से उनकी कला समीक्षा में क्या बात है उसको संक्षेप में, जैसे हमने अपने संपादकीय में कैसे लिखा है उसके बारे में हम थोड़ी सी इसमें से चर्चा करेंगे। कवि, कथाकार, निबंधकार के समानांतर कला लेखक समीक्षक के रूप में भी प्रयाग जी की सक्रियता पिछली आधी सदी से ज्यादा की रही है। इस लंबे अंतराल में कलाओं की बहुरंगी दुनिया को देखते परख के निरंतर लिखते हुए उन्होंने कला लेखन की अपनी शैली शैली विकसित की है, जिसमें पारंपरिक भारतीय लघु चित्रों का सम्मोहन है और ललित निबंध जैसी मिठास। प्रयाग जी के कला लेखन में सहजता का सौंदर्य है, सतत जिज्ञासा और विस्मय का भावबोध है। वे किसी भी घटना, संस्मरण या किसी साधारण से वाक्य से अपनी बात शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे गहराई में उतरते चले जाते हैं। तथ्यों और विचारों की काव्यात्मक तर्क संगति, आत्मीयता भाव और समन्वय से उनका कला लेखन भीड़ में अलग खड़ा दिखता है। कला विमर्श, कला आलोचना संबंधी अपने लंबे आलेखों में भी वे अपने व्यक्तिगत आग्रहों, दुराग्रहों को तरजीह देने की बजाय तथ्यों और उनकी सारगर्भित व्याख्या का सविनय निवेदन करते जान पड़ते हैं। प्रयाग जी ने कई अखबारों पत्रिकाओं के लिए नियमित कला स्तंभ लिखे हैं, कला प्रदर्शनियों की रिपोर्टिंग की है, लेकिन अखबारों में नियमित लिखते, लंबे समय तक लिखते हुए भी अपने कला लेखन को उन्होंने अखबारी नहीं होने दिया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दिनमान, नवभार टाइम्स, जनसत्ता से लेकर अभी दैनिक भास्कर के लिए लिखे जा रहे कला स्तंभ तक उनके हर आलेख की पन्नी में आप सोचने विचारने के कुछ बिंदु सहज ही तलाश सकते हैं। जैसे कि एक बहुत जनसत्ता में कुछ वर्षों पहले प्रयाग जी का एक लेख छपा था, जिसमें उन्होंने इस चीज को रेखांकित किया था, आंखें, उसका शीर्षक ही था लेख का कि आंखें जो पहाड़ उठा लेती हैं। तो कहने का मतलब है, ये दृश्य कलाओं के से संबंधित टिप्पणी थी, या जो कुछ भी हम घटित होता है, जो हम दृश्य देखते हैं उसको अगर थोड़ा सा और विस्तार दिया जाए, तो प्रयाग जी उसमें यह बताते हैं कि अगर हम एक छोटा सा अगर चश्मा भी उठाएं या कोई छोटा सा पेपर वेट भी उठाएं, तो उसका हमें भार महसूस होता है, लेकिन ये जो आंखें जो है वो एक पूरा पहाड़ अपने भीतर समेट लेती है। पूरी दुनिया जान कितनी चीजें, इतनी कलाकृतियां, इतनी तरह तरह के दृश्य हम देखते हैं जिनको आंखें वहन करती है। तो उसका शीर्षक ही उन्होंने दिया था कि आंखें जो पहाड़ उठा लेती हैं। दूसरी सबसे खास बात, उन्होंने कुछ व्यवहारिक पक्षों की भी चर्चा की है कला समीक्षा के संबंध में, जैसे कि और बाकी
दृश्य कलाएं और जैसा कि हम जानते हैं प्रदर्शन कार्य कलाओं के बीच अगर हम एक व्यवहारिक फर्क देखें तो उसमें यह कि जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, चाहे वो रंगमंच है, चाहे आप सिनेमा है, सिनेमा को भी हम कला मानते हैं, तो सिनेमा हो, रंगमंच हो, शास्त्रीय नृत्य हो, शास्त्रीय संगीत हो, इन सबको देखने सुनने आस्वाद लेने के लिए हम इत्मीनान से कहीं आप बैठकर उसको देख सुन सकते हैं, उसका आस्वाद ले सकते हैं। लेकिन दृश्य कला के लिए ये जरूरी है कि आप किसी कलाकृति के पास जाएं, और इस तरह प्रयाग जी हैं और भी जो जो लोग भी कला समीक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन के अनंत घंटे, और उसको अगर आप दिन से अगर रोज के हिसाब से डिवाइड करें तो वो कई सालों में वो निकलेंगे। जो लोग लगातार कला समीक्षा से जुड़े रहते हैं उनको वो खड़े होकर खड़े रहना पड़ता है, गैलरी में घूमना पड़ता है, आपको एकदम जाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, क्योंकि ये दृश्य कला है कि आपको जाकर चीजों को देखना होता है। दूसरी चीज जो प्रयाग जी के साथ एक यह भी है कि उनके लेखन में कि वो बातचीत करते करते उनका की कला समीक्षा बोझिल और उबाऊ नहीं होती, क्योंकि वो एक इस मामले में वो सौभाग्यशाली हो रहे हैं कि हमारे समय के जो समकालीन भारतीय चित्रकला के जो बड़े नाम रहे, चाहे हुसैन साहब हों, चाहे राजा साहब हों, या फिर स्वामीनाथन हो, सबके साथ उनकी एक अलग तरह की आत्मीयता रही है। तो कला समीक्षा के बीच बीच में वो संस्मरणात्मक जो बिंब वो प्रस्तुत करते हैं, वो उनसे जुड़ी जो बातें बताते हैं, और न केवल लिखते हुए बताते हैं, आप उनसे फोन पर भी जब हमारी बातचीत होती है तो ऐसे बहुत सारी बातें, उनसे बातचीत करने का एक आनंद तो यह भी है कि जैसे कि अब हमारा यह सौभाग्य नहीं रहा कि हुसैन साहब से या फिर स्वामीनाथन हैं उनसे एक हमारा मिलना हो पाए, लेकिन चूंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जब तक हम लोग कला की दुनिया में है तब तक वो उनका देहावसान हो गया था। लेकिन प्रयाग जी जिस तरह से उनके बारे में चर्चा करते हैं तो जैसे एक दृश्य पूरा होता है, दृश्य रच देते हैं कि हाँ हुसैन साहब बैठे होंगे, उनसे मिलने गए होंगे, या स्वामीनाथन जो है उनके साथ जो अपनी एक यात्रा जो है कोटखाई की है जो करते हैं उनके उनके गांव की, तो उसका वो जो जिस तरह से वो वर्णन करते हैं लिखने में ही नहीं बताने में भी, तो वो पूरा एक दृश्य ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कि एक पूरा दृश्य ही हमारी आंखों के आगे वो घटित हो रहा हो। और ये चीज हमको लगता है कि ये उनकी कहानियां भी हमने उसके बाद पढ़ी, जैसे कि उनकी कहानी है एल्बम जिसमें वो किसी अपने एक पारिवारिक मित्र की बिटिया को वो लेने जाते रहते, महानगर की अपनी व्यस्तता है, सुबह उठते हैं, और उनके साथ साथ उस परिवार से उनके पूरे जो संबंध वो उनको कैसे पूरा याद आता रहता, एक लंबा संबंध है। इसी तरह की उनकी कविताएं हैं, प्रयाग जी ने जो बच्चों के लिए कविताएं लिखी है वह भी काफी लोकप्रिय है, बच्चों के बीच भी लोकप्रिय है, और हम लोग खुद उन बाल कविताओं का बच्चों के साथ साथ हम भी उनका आस्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह से कि उनकी जो सक्रियता रही है प्रयाग जी की कला की दुनिया में, कला की भी दुनिया में उनकी सक्रियता बहुविध रही है, एक कला समीक्षक के रूप में, एक आर्ट क्यूरेटर के रूप में, और कला से जुड़े जो हमारे जो नामचीन कलाकार हैं, मूर्धन्य कलाकार हैं, उनके बारे में जो बातचीत करने और लोगों को प्रेरित करने के लिए। जैसे कि हमें अच्छी तरह याद है कि प्रयाग जी से तो के लेखन से तो परिचय मेरा, जैसा कि हमने कला की दुनिया में इस किताब में भी लिखा है कि उनसे मेरा जो परिचय जो है उनके लेखन के जरिए, एक पत्रकार के रूप में, एक और एक कला समीक्षक के रूप में, बहुत बचपन में हो गया था। बाद में चूंकि हम लोग भी हमारे यहाँ पत्रकारिता का और लिखने पढ़ने का माहौल था, बाद में हम और हमारे बड़े भाई साहब पत्रकारिता में आए और एक लंबे समय तक पेशे के रूप में हम लोगों ने पत्रकारिता को चुना। तो
लेकिन फिर धीरे धीरे जब मेरा हमने कहानियां पढ़नी और कहानियां लिखनी शुरू की और साहित्य की दुनिया में, तब तो फिर उनकी कविताओं से भी, एक कवि के रूप में भी उनसे एक पहचान हुई, फिर एक अच्छे गद्यकार के रूप में भी पहचान हुई, एक कथाकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में उनसे भी उनका परिचय मिला। तो फिर इस बात से अपन सहमत है, जैसे कि एक बड़े अर्थशास्त्री अमर सेन ने कहा है कि एक व्यक्ति की एक साथ कई पहचान हो सकती है, और हो सकता है कि उसमें कोई विरोधाभास ना हो बल्कि उसमें समन्वय हो। तो ये प्रयाग जी के लिए भी यह बात बिल्कुल सही है कि उनकी कई पहचान है और उन सब में एक सुंदर समन्वय है। हमें अच्छी तरह याद आ रहा है कि जब अपन दिल्ली जाकर एक पेशेवर पत्रकार के रूप में हमने काम करना शुरू किया, और भारतीय ज्ञानपीठ की जो एक प्रतिष्ठित पत्रिका नया ज्ञानोदय में अपन संपादक थे, तो ये वो जमाना था 2004-5 का, जैसा कि सब जानते हैं, कला से जुड़े लोग जानते हैं, और कि उसको एक तरह से कहा जाता है कि वो 8 बूम का दौर था। वो एक ऐसा दौर था जब हिंदी और अंग्रेजी के तमाम अखबार जो थे उसमें आए दिन इस तरह की खबरें छपती थी कि हुसैन का, MF हुसैन साहब का काम हो, या तैयब मेहता का काम हो, भूपेन खक्कर का काम हो, इनका काम बड़ी हेडलाइन बनती थी कि भैया आज 5 करोड़ में, 10 करोड़ में, 12 करोड़ में बिक रहे हैं। अंग्रेजी वालों ने इस 8 बूम के लिए उस समय एक मुहावरा भी चला था, 8 अटैक, जैसा कि आप समझते हैं कि हार्ट अटैक के तरफ से, कि या एक तरह का 8 का अटैक है कि इतनी महंगी जो पेंटिंग है वो बिक रही है। उसी दौरान चूंकि एक लेखक के रूप में तो प्रयाग जी थे, काफी हमारा लंबा परिचय रहा, लेकिन जो व्यक्तिगत तो उनसे परिचय मेरा 2005 में हुआ, जब हम नया ज्ञानोदय में, उस समय नया ज्ञानोदय के संपादक डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय जी थे, तो सहायक संपादक होने के नाते हम लोग यह करते थे कि जो कला साहित्य संस्कृति से और कई बार सामाजिक भी उसमें मुद्दे लेते थे, हम लोग उससे जुड़े ये जो विशेषज्ञ हैं उनको हम लोग भारतीय ज्ञानपीठ के दफ्तर बुलाते थे और उन लोगों में एक चर्चा कराते थे। तो जब हमने यह देखा कि रोज अखबार में इसी तरह की खबरें आ रही है कि 8 गुम की खबरें, कि पेंटिंग की करोड़ों में नीलामी हो रही है, इस तरह की बहुत खबरें, मेरा ख्याल है कि 2001 से लेकर 2007-8 तक खबरें आती रहती थी। तो हमने फिर वो सोचा कि इस पर एक पंचायत कराइए, एक विचार विमर्श कराया जाए। तो जब हमने उसका हमने शीर्षक दिया कि कला का बाजार या बाजार की कला, तो उसमें जब हमने सोचा कि 5 लोगों को बुलाए, तो सबसे पहला जो मेरे ध्यान है कि किसको बुलाया जाए, तो प्रयाग जी का ही नाम मेरे ध्यान में आया। तो वो काफी वो अच्छी वो पंचायत रही थी जिसमें प्रयाग जी थे, प्रयाग शुक्ल जी, विनोद भारद्वाज, तो 2 लोग कला समीक्षा से थे और 3 लोग वो पंचायत जो थे उसमें वो कलाकार थे, जैसे कि अर्पणा कौर और जय झरोटिया और गोपी गाजवानी। तो 3 कलाकार जो हमारे समय के 3 जो वरिष्ठ कलाकार और 2 वरिष्ठ कला समीक्षकों को बुलाकर नया ज्ञानोदय में हमने वो पंचायत करी थी। उसी पंचायत में पहली बार 2005 में प्रयाग जी से मेरी मुलाकात हुई भारतीय ज्ञानपीठ के दफ्तर में, और उस पर काफी प्रतिक्रियाएं भी आई थी उस बातचीत को हम लोगों ने, मेरा ख्याल है 2.5-3 घंटे की वो बातचीत हुई, वो काफी अच्छी। और न केवल कला के बाजार के बारे में बल्कि और बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत हुई, कला से जुड़े, अब चूंकि दृश्य कला पर बातचीत हो रही थी तो उससे जुड़े और पक्ष की, आखिर ये बाजार कैसे तैयार हुआ और इसकी वजह क्या है। तो हमें अच्छी तरह याद है कि प्रयाग जी ने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही हुई थी कि कलाकृतियों की जो है, कि कलाकृतियों की जो आज इतनी कीमत है, बेशुमार कीमत बढ़ती चली जा रही, उसका एक कारण यह है कि किसी भी पेंटिंग पर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक, ये प्रयाग जी ने कही थी कि इसकी जो कीमत वो बढ़ी, उसका जो महत्वपूर्ण एक कारण यह भी है कि उस पर मालिकाना हक, जैसे कि आप किसी नृत्यांगना का नृत्य देख सकते हो, उसको आप खरीद नहीं सकते,
ठीक उसी तरह आप किसी शास्त्रीय गायक या ध्रुपद गायक का गायन सुन सकते हैं, उसको खरीद नहीं सकते हैं। ये रंगमंच के साथ भी है, सिनेमा के साथ भी है, लेकिन ये दृश्य कला का जो है कि अगर किसी चित्रकार ने कोई चित्र बनाया, किसी कलाकार ने, किसी मूर्तिकार ने कोई मूर्ति बनाई, तो अगर किसी ने जब उसको खरीद लिया, उसके बाद उस पर मालिकाना हक जो होता है वो कलाकार का ना होकर उस व्यक्ति का जिसने उसको खरीदा है उसका हो जाता है। उसके बाद उस कलाकृति का जो मालिक है वो कलाकार नहीं रह जाता, बल्कि वो कोई जो गैलरी है, गैलरी का कोई मालिक हो सकता है, कोई कला संग्रह जिसको पैसा लगा कर वो काम खरीदा हो। अब यह है कि वह काम किसी मास्टर का काम है और उसकी है कि अब एक समय था ही जो आज भी है कि मास्टर्स के काम न केवल भारत में, उनका एक वैश्विक बाजार है जहाँ दुनिया भर में वो काम बिकते हैं। बड़ी जो नीलामी घर है, सदबीज हैं, क्रिस्टीज हैं, और अब तो अष्टगुरु और कई सारे जो हैं कि ऑप्शन हाउस हैं जो काम करते हैं। तो अगर किसी कलेक्टर को या किसी उद्योगपति को, किसी को भी अगर वो लगे कि वो पेंटिंग हासिल करनी है, तो जिस व्यक्ति के पास उस पेंटिंग का मालिकाना हक है उसी से उसे खरीदनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर वो जिस प्राइस पर, जब कोई अगर आप किसी चीज के मालिक हो जाते हैं, तो जो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप उसको बेचना चाहते हैं कि नहीं, और बेचना चाहते हैं तो किस कीमत पर बेचना चाहते हैं। तो ये पक्ष उन्होंने कला का बाजार या बाजार की कला, जो हम लोगों ने जो विमर्श कराया था दृश्य कला को लेकर, तो उसमें यह सवाल उठाए थे। उसमें कई लोग, जय झरोटिया जी हैं, गोपी गाजवानी, विनोद भारद्वाज जी और अर्पणा जी ने भी अपने अपने तरीके से बाजार का, जो कला के बाजार को, अपनी बातें रखी थी। उसके बाद से प्रयाग से एक संबंध जुड़ गया और उसमें उत्तरोत्तर उनका स्नेह और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। हमें अच्छी तरह याद है कि वो प्रेरित बहुत करते हैं, जैसे कि जब अपन कला पर जो हमने लिखना शुरू किया, लोगों के इंटरव्यू करना शुरू किया, गैलरीज में जाने लगे, कुछ छोटे मोटे जो अपने थे कि जब अपना काम किया, जो वो अपने सेविंग से कुछ छोटे मोटे एक कला संग्राहक के रूप में, आर्ट कलेक्टर के रूप में छोटे मोटे काम भी जब वो खरीदने शुरू किए, तो प्रयाग जी को जब भी पता चलता था वो इस चीज को, इस चीज के लिए बहुत प्रेरित करते थे कि इसका हर रूप में बहुत महत्व है, आपके या कली व्यार की दृष्टि के रूप में भी। चूंकि हमारे यहाँ एक चीज है कि लोग अपनी एक बंद दुनिया में रहते हैं, कुछ लोग हैं जो इसको करना चाहते हैं, क्योंकि सभी कलाओं में एक अंतर संबंध है। चाहे आप अगर साहित्य लिखें, कविता तो वैसे भी दृश्य कला से बहुत जुड़ी रही है, ठीक है ना। और हमारे समय के कई जो, अगर हम वैश्विक परिदृश्य के, दृश्य कला के परिदृश्य को छोड़ दीजिए, तो हमारे यहाँ कई लोग हैं जो हिंदी साहित्य से बहुत गहरे जुड़े रहे हैं और कुछ लोग लिखते भी रहे हैं। जैसे कि स्वामीनाथन की कविताएं बहुत ऊंचे पाए की कविताएं, कम कविताएं लिखी, तो बहुत सुंदर कविताएं हैं जी स्वामीनाथन की। हुसैन साहब ने कविताएं लिखी, राजा साहब खुद कुछ ना कुछ उस तरह से लिखते रहते थे, जो जिनको आप छोटी कविताएं कह सकते थे और पढ़ते बहुत थे। तो उसमें यह है कि जो नए लोग इस बात को नहीं समझते कि हर कला का, साहित्य का भी, कलाओं से, चाहे वो दृश्य कला हो या प्रदर्शनकारी कलाओं से, एक गहरा अंतर संबंध है, इसको समझे जाने की जरूरत है। और जहां तक अपनी, हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, लेकिन अपनी सीमा के भीतर भी जहां तक उसमें रुचि लेने, उसको देखने, जानने, समझने और की कोशिश करनी चाहिए, और उनके लिए एक जिज्ञासा का अपना स्पेस बनाना आना चाहिए, जिसके लिए कई लोग कोशिश करते रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे आयोजन में हमको याद आ रहा है कि एक बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से वर्षों पहले उन्होंने अंतर संबंध करके इस तरह का एक आयोजन, मेरा ख्याल है कि अशोक वाजपेयी जी ने किया था। तो ये आज का बहुत जरूरी है। और इस तरह से अगर कहा जाए तो जो कुछ बहुत गिने चुने लोग रहे हैं हिंदी में जिन्होंने कलाओं पर लिखा है, और एक तरह से उन्होंने पुल का भी काम किया हुआ है कि बहुत सारे जो नए लेखक हैं या आपके वो जो युवा लेखक हैं, नए लेखक, नवोदित लेखक हैं, युवा लेखक हैं, अगर उन्होंने
प्रयाग जी के किताबें पढ़कर यह कला के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी तो जरूर हासिल की कि हाँ दुनिया देश कला में क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ अभिषेक जी, जी आगे हम लोग हुसैन की छाप पुस्तक जो आपके यहां से आई उस पर भी बात जी करेंगे, मगर उसके जी जी पूर्व एक और खास पुस्तक है प्रयाग शुक्ल जी की, उसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं। वह पुस्तक है साथियों आज की कला। आज की कला में भी प्रयाग शुक्ल जी ने कई पक्षों को समाहित किया है। यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन से आई वर्ष 2007 में, आज से 15 वर्ष पूर्व। और यह देखिए कि इसका समर्पण भी कितना प्यारा है, और उसके पीछे की जो प्रयाग जी की अपनी कला यात्रा है उसको भी यह समर्पण बतलाता है। प्रयाग जी लिखते हैं, चित्रकार कथाकार राम कुमार जी और उनकी सहधर्मिणी विमला जी को सादर सप्रेम समर्पित है यह पुस्तक, जिनके स्नेह का संबल 40 वर्षों से मुझे और मेरे परिवार को सहज ही उपलब्ध है, और जिनसे कला और जीवन जगत की सुंदर चीजों को सराहने समझने की दृष्टि भी मिलती रही है। इस पुस्तक में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रयाग शुक्ल जी के कला समीक्षक के रूप से हमें विस्तार से परिचित करवाती हैं। अभी हम अभिषेक कश्यप जी की ओर से और पिछले वक्ताओं की ओर से भी जो पूर्व में आए हैं उनके इस पक्ष पर चर्चा सुन रहे हैं और सुन चुके हैं। यहां भी इस पुस्तक में भी मैं देख रहा हूं कि देखने का स्वाद पर वह उनका एक आलेख है। ऐसे ही कुछ और आलेख मैं यहां पर रख रहा हूं, उनके टाइटल जैसे देखो मगर ध्यान से, या हम कुछ चुनते क्यों हैं, या पुरानी चीजों पर पड़ने वाली नई रोशनी, और किसी पेंटिंग को किसी चित्र को देखने के लिए एक खास दृष्टि की भी आवश्यकता है। इन सब पर भी वे बात करते हैं। जैसे उनका एक आलेख है, आंखों से छूना। आंखों से छूना कैसे हो सकता है, इस पर भी प्रयाग जी बड़े सुंदर ढंग से विचार करते हैं। वे कलाओं पर तो लिखते ही हैं और लगातार अपनी टिप्पणियों से कोशिश करते हैं कि कला को देखने की संस्कृति भी वह विकसित करते चले। यहां भारत से बाहर की भी कुछ कलाओं पर बातचीत की गई है। कुछ और जो टाइटल है मैं पढ़ता हूं, जैसे एक अच्छा इनका आलेख है, कलाकृतियां एक पुल हैं। किस तरह से कोई कलाकृति एक पुल बन जाती है, इस पर बात करते हैं। कला जो कल भी रहेगी, कला की जो निरंतरता है, जो उसका अपना एक निरंतर है, जो उसका एक अमिट सौंदर्य है, उसकी भी बात वे करते हैं। इसी तरह मनुष्य और प्रकृति का अटूट संवाद, इस पर भी वे बात करते हैं। एक छोटा सा अंश मैं इस पुस्तक की भूमिका से पढ़ता हूं और फिर आगे हम लोग अभिषेक जी को सुनेंगे। प्रयाग शुक्ल इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं, कलाकृतियों को देखने सराहने और परखने के बहुतेरे ढंग और कोण हैं। स्वयं जीवन में भी चीजों को देखने परखने की बहुतेरी विधियां प्रस्तावित की जाती रही हैं, जो समय सिद्ध और अनुभव सिद्ध होती हैं। आखिरकार कोई किसान, कोई माली, कोई जौहरी, कोई मैकेनिक, कोई इंजीनियर अपने अपने क्षेत्र की चीजों को अपने अनुभव, संज्ञान और पूर्ववर्ती पीढ़ियों के अर्जित ज्ञान के सहारे ही तो समझता और परखता है।
कला का क्षेत्र भी इन क्षेत्रों से अलग नहीं है। वहां भी कला गुणों की परख पूर्ववर्ती पीढ़ियों द्वारा अर्जित ज्ञान और बोध के साथ ही नई कृतियों और नई परिस्थितियों को समझ बूझकर की जाती है। और आगे फिर वे इस पुस्तक में क्या क्या चीजें हैं इसकी बात करते हैं। वे बतलाते हैं कि इस पुस्तक में जीवन और कला दोनों में ही ध्यान से देखने और ठहर कर कुछ देखने के महत्व की चर्चा है। कला और कलाकृतियां जीवन और समाज से अलग थलग पड़ी हुई चीजें न तो हैं और न कभी हो सकती हैं। इसलिए यह ठीक ही माना जाता है कि चाहे कला समीक्षक हो या कला का कोई सामान्य आस्वादक और भावक, उसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और अनुशासनों का जितना ज्ञान ध्यान होगा उतना सब कला परख में भी उसके काम आएगा। सामान्य सी बात यही है कि जो जीवन में देखता है, वास्तव में चीजों पर गौर करता है, वही कलाकृतियों में भी अंततः बहुत कुछ ढूंढ और देख पाने की एक स्वाभाविक क्षमता अर्जित कर लेता है। तो इस तरह से हमने एक अंश पढ़ा यहां पर अभिषेक जी, और इस अंश को पढ़ते हुए हम यह देख रहे हैं कि प्रयाग शुक्ल जी कला के काम को लेकर और कला संस्कृति को लेकर कितने सजग हैं और कितनी गहराई से विचार करते हैं। तो अब हम उस दूसरी पुस्तक पर आते हैं, हुसैन की छाप पर। उनमें भी उन्होंने हुसैन जी पर काफी कुछ लिखा है, उसके बारे में भी कुछ बतलाएं। कल भी चर्चा हो रही थी और आज भी हम चाहते हैं कि इस पर कुछ चर्चा हो, और उसमें जो अनुपूरक सामग्री है हुसैन जी पर, उसके बारे में भी कुछ बतलाएं। जी जी, हुसैन की छाप जो किताब, उस पर तो चर्चा होगी, लेकिन अभी जैसे आपने कही, उनका जो एक है कि आज की कला, जो राजकमल प्रकाशन से छपी थी, उनकी एक और किताब है हेलेन गैलेनी की नोटबुक, उसमें भी वो कला पर उनके बड़े सुंदर गद्य हैं, जो कला की आज की कला में भी है। ये इसलिए हुआ कि जैसे कला की दुनिया में जो हमने ये किताब उनकी एडिट की, तो इसमें जो आज की कला की करीब करीब सारी सामग्री इसमें इस किताब में है, कला की दुनिया में। जहां तक देखने का मतलब ये तो है ही कि हम सब लोग इस मामले में बात करते हैं कि कला समीक्षा की जरूरत या कला लेख की जरूरत क्यों है, यह देखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारा समाज जिस तरह का है, उसमें हमारे देश में जिस तरह की साक्षरता दर है कि जो बहुत नीचे है, वहाँ एक समस्या यह होती है कि वो जो कला को देखने का, जैसे कि की बात जो है, तो वो देखना भी एक, देखने की भी एक ट्रेनिंग होती है। जॉन बर्जर की तो कई किताबें भी है, अबाउट लुकिंग है एक किताब, जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है जॉन बर्जर की, देखने को लेकर। तो जो हमारे समाज में कला को, जैसे कि होता क्या है कि ज्यादातर लोग किसी गैलरी में जाते हैं और ये पूर्वाग्रह लेकर जाते हैं कि उनको पेंटिंग तो समझ में नहीं आती। यह जब आप पहले से ही इस यह एक पूर्वाग्रह बना लें कि पेंटिंग या कला आपको समझ में नहीं आती, और उस भाव से जब आप गैलरी में जाएंगे तो आप तो देख ही नहीं पाएंगे। समझने से ज्यादा यह जरूरी है कि देखना, और देखना जैसे कि हमारी भी है, ये प्रयाग जी भी करते हैं, विनोद जी भी करते हैं, और हम भी, कि आप उस पूरा जो वातावरण है, ऑरा है, किसी गैलरी में जाए, किसी संग्रहालय में जाए, तो उसका एक हिस्सा बन जाए और वहाँ एक एक अच्छा खासा समय गुजारे। धीरे धीरे यह दो तरफा संवाद है, खुद आपको पेंटिंग या मूर्ति कला है, जो दृश्य कला है, वो समझ में आने लगे। उसके लिए समझने की जरूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ आपको वहां से मिलने लगेगा। आपको जो आपकी स्मृति है,
आपका चेतन अर्ध चेतन में वो कहीं ना कहीं वो अपना असर डालेगी। फिर अगर वो भौतिक रूप से अगर कोई अच्छी कलाकृति है, कोई अच्छा चित्र है, कोई अच्छी मूर्ति या न्यू मीडिया वर्क्स का ही, क्योंकि आजकल तो कलाओं में बहुत प्रयोग हो रहे हैं जो हों, अगर आप एक बार अगर आप उसके साथ एक सहज संबंध बना लें तो समझने की जरूरत नहीं। जीवन में सब कुछ आप नहीं समझ सकते। एक किसी भी कलाकृति, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो कोई साहित्य की कृति हो या कलाकृति हो, उनका आस्वाद की बात होती है, उनसे जुड़ने की बात होती है, उसे एक संबंध बनाने की बातचीत होती है। हर कुछ को समझा नहीं जाया जा सकता। और किसी भी कला का या किसी भी रचना का कोई एक, किसी भी मास्टरपीस का, चाहे वो साहित्य की हो चाहे वो कला की, उसका कोई एक अर्थ नहीं होता। जब आप समझने के हठ में या पूर्वाग्रह में आते हैं तो फिर आपका देखना उसे सबसे पहले बाधित हो जाता है। तो प्रयाग जी ने भी इस चीज पर बार बार जोर दिया अपनी ये अपनी कला समीक्षा में, कला लेखों में, कि देखना कैसे हो। और एक बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो विजुअल लिटरेचर की बातचीत होती है, क्योंकि यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे शब्दों की एक भाषा होती है, तो उससे एक अलहदा चित्रों की अपनी एक भाषा होती है, ठीक है ना। और जैसे कि आपने कोई अगर कलाकार एक लाइन खींचता है, अगली लाइन जो वो खींचेगा तो आपको लगेगा कि वो सेम है, सेम तो हो ही नहीं सकता कुछ, वो होगा सिमिलर हो सकता है, उसके समानांतर हो सकता है, एकदम उसके जैसा नहीं हो सकता। जब इस बोध के साथ जब आप देखना सीखेंगे तो ये समस्या कभी आएगी ही नहीं कि आपको चित्र जो है जो आपको समझ में नहीं आता। ये मेरे में भी संयोग बस मेरे भी एक किताब में यह किस्सा है और एक प्रयाग जी की भी किताब में यह किस्सा है कि एक बड़े जो है कि ये क्या पद पर बैठे कोई आदमी भारत भवन जाते हैं और वो अंबादास का चित्र देखते हैं और वो कहते हैं कि ये चित्र तो कुछ मेरी समझ में नहीं आया। तो उनके साथ जो लोग हैं वो लोग भी हुंकार करते हैं। फिर उस समय जय स्वामीनाथन जो प्रयाग जी के बहुत अच्छे दोस्तों में रहे, उनके साथ प्रयाग जी ने एक लंबा अर्था गुजारा, फिर वो जो भारत भवन में फिर वो आगे बढ़ते, उस समय स्वामीनाथन वो जो भारत भवन के रूपांकन कला दीर्घा के वो निदेशक हुआ करते थे। तो जब कोई बड़ा राजनेता या कोई उस तरह की बड़ी शख्सियत है तो उनके साथ वो होते थे, रूपांकन के निदेशक होने के नाते उनको होना होता था। आगे बढ़े, फिर उन्होंने स्वामीनाथन का चित्र देखा, वो स्वामीनाथन के पेड़ पहाड़ चिड़िया श्रृंखला का वो चित्र था। तो उन्होंने देखकर फिर कहा कि भैया अरे ये चित्र मेरी समझ में आ गया, किसका है। तो स्वामीनाथन ने अपने विट और ह्यूमर का प्रयोग करते हुए कहा उनसे कि ये चित्र बनाया तो मैंने ही है लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो जहां आप समझने का पूर्वाग्रह रखेंगे वहीं आपका देखना बाधित होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका देखना, न केवल चित्र का ही या कलाकृतियों का, प्रकृति को भी हम कहां देख पाते हैं। आप यह देखें कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि कई बार हम यह भी नहीं देखते कि कोई फूल कैसे है, कि आज हमने देखा रात को सुबह कोई फूल हमारे बगीचे में खिल रहा है, या कई बार हम यह भी ध्यान नहीं देते कि हमें आकाश की ओर नजर उठाकर कि आकाश अभी किस रंग का दिख रहा है, इतने की फुर्सत नहीं है। तो महत्वपूर्ण चीज है चाहे प्रकृति के मामले में हो, क्योंकि या कला के मामले में, दृश्य कला के मामले में हो, देखना और दृश्य कला के मामले में तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे समय के जो मूर्धन्य चित्रकार हैं, वो विनोद बिहारी मुखर्जी, उनका तो एक बहुत अद्भुत वाक्य है कि जो दृश्य कलाएं हैं, क्योंकि दृश्य इस कला के साथ दृश्य जुड़ा हुआ है, तो जो ललित कलाएं हैं दृश्य कलाएं हैं, तो वो तो उनकी पूर्णता तभी होती है कि जब कोई उसको देख ले। जैसे कि विनोद बिहारी मुखर्जी यह कहते हैं कि कोई भी कलाकृति कोई तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसको देखा ना जाए। वो आगे यहां तक कहते हैं, और यह देखना कोई जरूरी नहीं कि किसी मनुष्य का हो, अगर कोई चिड़िया भी देख ले, कोई पशु पक्षी भी देख ले उसको, तो वो कलाकृति वो उसमें पूर्णता का अभाव आता है। तो
जो सारा दृश्य कलाओं के साथ देखने का एक बहुत महत्व है, जिसकी चर्चा जैसे आपने आज की कला में की, ये चर्चा हुसैन की छाप जो हमने त्यागी की किताब संपादित की उसमें भी मिलेगी। और कला की दुनिया में तो ये देखने का संदर्भ तो अलग अलग प्रसंग में बार बार आएगा। अब जैसा कि अभी आपने वो चर्चा की, और मेरा ख्याल है कि समय की भी अपनी एक सीमा है, तो इसकी प्रयाग जी से जब कला की दुनिया का काम पूरा हो गया, और उसको यह आश्चर्य की बात है कि उसको कला की वो किताब हिंदी में, और उसको वो इतनी लोकप्रिय किताब हुई कि 100 से ज्यादा प्रतियां, जबकि ये काफी मोटी किताब है, और लोग कहते थे कि भैया इस पर यह भी चर्चा चली कि इसकी 1200 रुपये कीमत है, और मेरा ख्याल है कि 900, 850, 900 रुपये के हिसाब से जब ये इसकी जब आई हुई थी, मेरा ख्याल है कि ये 2019 के अगस्त में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसका लोकार्पण हुआ था, तो उसके बाद ये मतलब बिक्री के लिए उपलब्ध हुई अमेजन पर। तो अमेजन से ही जिस तरह से इसकी प्रतियां बिकी हमारे लिए, प्रयाग जी के लिए और प्रकाशक के लिए भी एक आश्चर्य का विषय रहा कि ये 950,000 रुपये की किताब, कला की जो किताब है वो, और वो भी हिंदी में है, क्योंकि एक बात कही जाती है कि हिंदी का जो पाठक वर्ग है उसकी जो क्रय क्षमता कम होती है। लेकिन हमें आश्चर्य लगा कि जब लगातार जिस तरह से, और एक समय एक टॉप सेलिंग बुक थी उस समय 2019 में छपने के बाद, तो इससे यह जरूर है कि कला पर हिंदी में सामग्री कम है, और अगर अच्छी सामग्री आए तो उसका उसको लोग उसका एक बड़ा पाठक वर्ग है जो कहीं ना कहीं है पूरे देश भर में फैला हुआ हिंदी का पाठक वर्ग, और जिस तरह से उपन्यास का, कहानियों का और दूसरी विधाओं का, एक आत्मकथा का, जीवनियों का जो पाठक वर्ग, उसके साथ तो कला पर भी हिंदी का पाठक पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर उसको सामग्री हो और सहज सुलभ हो तो ऐसा नहीं है कि आज उसकी क्रय क्षमता का उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जहां तक है। तो कला की दुनिया में जिस तरह से पाठकों ने हाथों हाथ लिया, तो फिर प्रयाग जी से एक दिन चर्चा हुई, फोन पर ही चर्चा हुई, और मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि हम कुछ हम मेरा भी जो मानना है और प्रयाग के, हम दोनों के पर इस बात इस पर चर्चा हुई है कि दो समकालीन भारतीय कला में दो बड़े नाम रहे हैं कि जिन्होंने न केवल अपने चित्रों से, जिन्होंने अपनी एक कला भाषा बनाई और उनको एक वैश्विक स्वीकृति मिली, साथ ही साथ उन्होंने यह भी किया कि कला को, दृश्य कला को भारतीय समाज में विस्तार देने का बहुत काम किया। उस पर दो बड़े नाम है, एक तो जे स्वामीनाथन का और दूसरा हुसैन साहब का। यह सौभाग्य है और संयोग दोनों की बात है कि जे स्वामीनाथन और हुसैन साहब दोनों से प्रयाग जी के बहुत गहरे आत्मीय संबंध रहे। तो हमने इसी पर बातचीत शुरू हुई कि कम से कम प्रयाग जी ने अलग-अलग दौर में हुसैन साहब पर उनकी कला को शुरुआत में देखा, अलग अलग दौर में उन्होंने हुसैन साहब के काम के बदलावों को और उनके अलग अलग मोड़ों को देखा। तो उसी से हमने चर्चा की, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि एक किताब, चूंकि हिंदी में हुसैन साहब पर इतने बड़े कलाकार हमारे समय पर, जिन्होंने ना केवल अपने एक चित्रकार के रूप में वो महान है, बल्कि एक कला, एक संस्कृति कर्मी के रूप में और एक आर्ट एक्टिविस्ट के रूप में, जिसको अगर हिंदी में कहें कला क्रांतिकारी के रूप में भी स्वामीनाथन और हुसैन साहब का एक बड़ा योगदान रहा। तो चूंकि प्रयाग जी के लेकिन अब जरूरी हुसैन साहब पर बहुत कम समय में हम लोग यह किताब, लेकिन यह जरूरी है कि भैया प्रयास तो जो, लेकिन हुसैन हिंदी में पहली किताब आ रही है तो कुछ और भी नजरिया उसमें शामिल होना चाहिए। इसीलिए ये जो तो किताब है हुसैन की किताब, इसमें जो है कि एक लंबा लेख मेरा पाती है, इसके साथ साथ प्रयाग जी ने एक लंबा एक नया लेख लिखा है, और पहला खंड जो है अगर आप देखेंगे तो आएंगे कि जो तीन खंड है, पहला खंड है खंडित हुसैन के, जिसमें प्रयाग जी के
15 लेख हैं जो अलग अलग समय पर हुसैन के काम को लेकर हैं, जैसे पहला ही लेख हुसैन एक छवि आने और कला रहित विवाद मिठक का यथार्थ बहुमूल्य व्यक्ति ऐसे है तो ये, लेकिन वो हुसैन पूरा समय इसमें प्रतिबिंबित हो, इसलिए हम हुसैन को संग्रह करते और उनको तो खंड दो में हुसैन हम लोगों ने लिया है और खंड तीन में जो है हुसैन साहब और उनका समय, हुसैन साहब और उनकी चर्चा हो, इसलिए हम लोगों ने राम कुमार उनके पृष्ठ में चलाए हैं, मनोहर सैन जोशी ने साप्ताहिक उसकी हम लोगों ने चर्चा की हुई है, रामदास जी की उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं हुसैन साहब के, विनोद जी जी नेटवर्क की समस्या तो आ ही रही थी और हमें कुछ यह उम्मीद थी कि वह सॉल्व हो जाएगी, मगर वह समस्या कुछ और बढ़ गई और अंततः अभिषेक कश्यप जी हमसे कुछ देर के लिए दूर हो गए। मैं कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे पुनः हमारे साथ जुड़ पाएंगे, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और इस बीच मैं उन मित्रों के नाम ले लूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। शर्मिला बोहरा जालान जी, सरोज मिश्र जी, अंशुमती, प्रतिभा अवस्थी जी, उदय भानु पांडे जी, स्वयं प्रयाग शुक्ल जी, जय श्री पुरवार जी, कंचनजंघा पत्रिका, राजेंद्र कुमार, राजेंद्र उपाध्याय जी, आनंद गुप्ता, बाल कीर्ति, अवधेश प्रीत जी, विनोद दास, नरेंद्र कुमार महोदय, चेतन औदिच्य, मंजुला चतुर्वेदी, देवेश, श्रुति लखनपाल टंडन जी, गोविंद माथुर जी, सुरेंद्र कुमार मिश्र, महेंद्र रंगा, बलवंत कौर, ज्ञानेश उपाध्याय, रश्मि वाजपेयी जी और तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अभिषेक जी जुड़े और इस बीच मित्रों क्यों नहीं एक आध अंश प्रयाग जी का लिखा हुआ सुनते चलें। इसी पुस्तक में जिसकी बात मैं कर रहा था, आज की कला में एक अध्याय है, जरूरी है कि हम ठहर कर भी कुछ देखें। इसमें प्रयाग जी बड़े रोचक ढंग से और बड़ी गंभीरता पूर्वक अपनी बात लिखते हैं। वे लिखते हैं, मैं सुनाता हूं। चिले के विश्व प्रसिद्ध कवि पाब्लो नेरुदा ने एक जगह लिखा है कि दिन या रात के समय जब चीजें आराम कर रही हों तो उन्हें देखना एक मर्म भरा अनुभव होता है। और आगे भी लिखते हैं, उन्होंने मतलब पाब्लो नेरुदा ने कुछ चीजों की एक सूची भी गिनाई है जिसमें उन्होंने आराम करते पहियों, दरवाजों, खिड़कियों आदि को शामिल किया है। उनका आशय यही है कि बरती जाने वाली चीजों को जब हम निस्पंद रूप में देखते हैं तो उनमें समाहित कई मर्मस्पर्शी मानवीय अनुभव अपने को खोलने लगते हैं। मसलन किसी पहिए को ही लें, जब वह सुस्ता रहा होता है तो क्या हमें यह ध्यान नहीं आता कि वह कई यात्राएं कर चुका है। देखिए कितना प्यारा गद्य है। यही बात कई अन्य चीजों पर भी लागू होती है। मनुष्य द्वारा बरती गई चीजें अपने में कई निशान लिए होती है, कुछ घिस जाती हैं,
कुछ कहीं से खुरदुरी होती हैं, कुछ बदरंग हो जाती हैं, इनमें क्या जीवन की ही एक छाप नहीं होती? इस छाप को देखना, जानना आखिर किस लिए महत्वपूर्ण है? इसलिए तो कि वह जीवन की निरंतरता का बोध कराती है। मित्रों, हम देख रहे हैं कि प्रयाग शुक्ल जी का आग्रह कितना साफ है, कितना स्पष्ट है। वे निश्चय ही हमें यह बतला रहे हैं कि जीवन का कला के साथ कैसा अनुनाश्रय संबंध है। और मुझे यहीं पर चित्रकार सुबोध गुप्ता जी भी याद आते हैं। वे पटना सिटी और उसके आसपास या भारत के कई जगहों पर जो हम देखते हैं दुकानों के परिदृश्य, स्टील के बर्तन हैं और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ऐसे ही तांबे के बर्तन हैं, पीतल के हैं, वह सब इंस्टॉलेशन का काम भी सुबोध गुप्ता फ्रांस में और अन्य जगहों पर करते हैं और उसकी बड़ी मांग होती है। तो वो जो बात हो रही है कि किसी सामान को देखिए तो कैसे उसके भीतर का हिसाब भी आता है, या किसी पहिए को देखिए, चाहे वह रेल का पहिया हो, हमारी अपनी गाड़ियों के पहिए हो, साइकिल का पहिया हो, लगता है कि वह कितनी यात्रा कर चुका है। या अगर हम अपने स्वयं अपने पैरों को देखें, जब हम दिन भर की थकान के बाद, दिन भर के परिश्रम के बाद रात में कुछ फुर्सत के पलों में होते हैं, तो याद कर सकते हैं कि इन पैरों से आज हमने क्या क्या काम लिए, कहां कहां गए। तो इन सब चीजों को लेकर हम देखते हैं कि कलाकार अपने हिसाब से अपनी कलाओं को रखता है। और इंस्टॉलेशन का यह चलन भारत में भी काफी बढ़ा। दिल्ली में ही आप देखिए, जब एम्स के आगे पुलों के ऊपर पुल बनने लगे तो वहां भी स्टील के इंस्टॉलेशन लगाए गए। दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी लगाए गए, उसमें अमूर्तन भी है। और जो अभिषेक जी कह रहे थे कि आप कोई आग्रह ना पालिए, कि उसका यही अर्थ होगा, स्वयं कई बार चित्रकार भी इस बात को मानता है कि चित्र बनाते हुए बाद में वह यह स्वीकारता है कि यार मैं खुद इसको नहीं समझ पा रहा हूं। तो देखने का आनंद उठाना बहुत आवश्यक है। और जो जटिलता है, जो उसके अलग अलग उसकी जो अर्थ छायाएं हैं, उसे भी हमें समझने की जरूरत है। इसलिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से देखता है, तभी तो लेखन की दुनिया में या पेंटिंग की दुनिया में भी हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रकृति का चित्रण कर रहा होता है। इंदिरा गोस्वामी जी की अगर मैं बात करूं, मशहूर असमिया लेखिका की, तो अपनी आत्मकथा में जब वे गहरे दुख से पीड़ित हैं, तब कैसे वे बादलों का एक बड़ा विभत्स चित्रण करती हैं। जबकि अक्सर हम बादलों को मधुर चित्रण के लिए जानते हैं, लेकिन कई ऐसे लेखक हैं जब उनके अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करना होता है तो वह प्रकृति के उन दृश्यों में कई विभत्स रंग भी देखते हैं। ऐसी कई बातें हैं। और मुझे लग रहा है कि अभिषेक जी हमसे वापस जुड़ गए हैं, एक बार उनका स्वागत और आगे की बातचीत पुनः अभिषेक जी के हाथों में। जी, स्वागत। जी जी हरपंजी जी, आपने सही कहा। इसमें एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे, जैसे चित्रकार जो स्वामीनाथन का हमने प्रसंग बताया, यह बात नहीं, स्वामीनाथन तो खुद बहुत ऊंचे पाए के कलाकार होने के साथ साथ बहुत अच्छे वो कला समीक्षक भी थे। लिंक में उन्होंने कमाल की कला समीक्षाएं लिखी थी। उन्होंने एक ये जो समझने का है कि हर चीज को चित्र, ये चित्र हमें समझ में नहीं आता या इसे समझा जाना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने एक तरह से एक व्यंग किया कि हर चीज को समझना क्यों। उन्हें तो अच्छे बुरे अच्छे चित्रों की या कला के परिदृश्य की बहुत गहरी समझ भी थी और उनका देखना भी बहुत स्पष्ट था। प्रयाग जी के साथ उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू दिया था और वो
वो मेरी किताब में है, कला विनोद एक रजा फाउंडेशन से भी किताब आई थी जो पहले कभी छपी थी, उसमें भी वो लंबा इंटरव्यू है। तो उसी यह साफ पता चलता है कि उसका उनका देखना और वैश्विक कला के प्रति या भारतीय कला के प्रति उनका कितना, उनकी दृष्टि कितनी साफ थी और उनमें कितना गहरा आत्मविश्वास था अपने जो विचारों को लेकर। और स्वामीनाथन जी ने जो ग्रुप 1819 बनाया प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के बाद, जिसका एक ही शो हुआ, उसको तो आज लोग स्वीकार करते हैं कि उसके जितने कलाकार थे कि वो एक तरह की देशज आधुनिकता या इंडियाज जो है कि इंडिजिनस मॉडर्निज्म का एक मॉडल है वो जो शो हुआ था ग्रुप 1819 का। अभी दिल्ली आर्ट गैलरी ने कुछ सालों पहले उसके उन कलाकारों का एक शो किया हुआ था। इसमें हम जोड़ना यह चाहते थे, अब हम जहां तक प्रयाग जी के बारे में, एक चीज और अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने आधी सदी से भी ज्यादा समय, जब बाकी जो हमारे अधिकांश जो हमारे हैं जो वरिष्ठ लेखक हैं, बहुत जो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने दूसरी कलाओं में, खासतौर से दृश्य कलाओं में रुचि ली, उसमें प्रयाग जी का नाम सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, हिंदी की सांस्कृतिक पत्रकारिता में अगर देखा जाए तो। उससे एक लाभ और कलाकारों को के लिए भी, जो नवोदित कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, और जो कला समीक्षा से भी जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए खास चीज यह है कि चूंकि अलग उन्होंने कई महत्वपूर्ण चित्रकारों पर, जैसे हमने भी हुसैन साहब की बातचीत की, राम कुमार साहब की बातचीत की हमने, तो ऐसे कई लोगों के पिछले 40-50 सालों की कला को उन्होंने अलग अलग दौर में देखा है और उनके बदलावों को और उनसे जुड़ी बहुत सारे पक्षों को, बहुत सारे पहलुओं को उन्होंने रेखांकित किया है। तो इसका एक वो ये सारी चीजें कला लेखन या कला समीक्षा से आगे उनका एक दस्तावेजी भी महत्व है कि अगर आप जानना चाहें कि हुसैन साहब हों या फिर आपका क्या कह जाता है कि स्वामीनाथन हो या रजा साहब हो, तो इन लोगों ने अलग अलग दौर में किस दौर में किस तरह का काम किया, किस गैलरी में इनका लगा, तो उससे जुड़े बहुत सारे संदर्भ भी हैं, बहुत सारे संस्मरण भी हैं। तो उस समय क्या घटित हुआ था कला में और उस पूरे पर्यावरण में क्या घटित हो रहा था, ठीक है ना। तो एक तरह से वो दस्तावेज भी है, प्रयाग जी का जो लिखना जो है वो एक दस्तावेज भी है। जैसे कि अब हुसैन साहब पर जो बातचीत हुई, उस समय शायद कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, तो हुसैन साहब के जो उनके 15-16 लेख इसमें शामिल किए गए पहले खंड में, तो उससे यह पता चलता है कि हुसैन साहब के काम में जो बदलाव आए और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो उनसे जुड़ी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे अलग अलग समय में हुई घटनाएं भी है। जैसे कि इसमें घटना यह है कि उन्होंने जो, मेरा ख्याल कि नवभारत टाइम्स के संपादकीय के रूप में उन्होंने लिखा था, तो उसमें वो घटना कुल मिला के यह है कि एक बार यह हुआ कि फिदा की मुश्किल, तो वो एक बहुत छोटा सा पीस है लेकिन बड़ा मौजू पीस है कि वह अपने समय का एक दस्तावेज है कि किसी रेलवे स्टेशन पर, मेरा ख्याल है कि ये पुणे रेलवे स्टेशन पर, या एक बात थी कि भैया सरकार की एक योजना थी कि भैया दृश्य कला को बढ़ावा दिया जाए, तो हुसैन साहब की पेंटिंग वहां लगाई गई। और दूसरे दिन जब, उस दिन तो वो तामझाम हुआ, बाद में जब दूसरे दिन शायद जब गए तो देखे कि जो लोग पानी का छीटा मार रहे हैं तो वो छीटा जा रहा है, यानी कि किसी दृष्टिकोण भी है कि भैया विजुअल लिटरेसी की या दृश्य कला की हमारे यहाँ क्या हालत है। तो उसमें उनको इतना खराब लगा, किसी भी कलाकार की कलाकृति के साथ, उसके साथ अगर कोई मान अपमान हो तो भूल सकता है, लेकिन उसके रचे गए के उसकी कलाकृति के साथ अगर कुछ होता है तो उसको बुरा लगता है, तो वो उतार कर कैसे लेकर चले गए, मतलब वो अपनी पेंटिंग उतार ले और गायब हो गए वहां से, तो इस पर काफी वो विवाद हुआ। तो ऐसे बहुत सारे दस्तावेजी महत्व के भी इसमें जो है कि इस किताब में जो हुसैन की छाप और ये कला की दुनिया में भी, दोनों किताबों में अलग अलग कलाकारों को, न केवल वो जो आपकी कला की अलग कलाकारों के जो कलात्मक तो महत्व पर है, बल्कि उसमें पूरा समय, घटनाएं, सब कुछ एक दस्तावेज की तरह दर्ज है। मेरा कहना है कि उस समय जब यह हुआ था आपने अनुपूरक सामग्री के बारे में चर्चा की थी, तो हाँ प्रयाग जी से जो बातचीत हुई कि उनका अपना एक देखना है या फिर देखना आ रहा है, उन्होंने एक लंबे समय तक हुसैन साहब को, उनके समय को,
उनके साथ जुड़ी घटनाओं को, उनकी कला को, उनके व्यक्तित्व को कैसे देखा। तो वह भी तक कुछ हो सकता था कि कुछ और चीजें प्रयाग जी के पास थी जिसको हम लोग इसमें शामिल कर सकते थे। अनुपूरक सामग्री का मतलब ही था कि हुसैन साहब तो प्रयाग जी के अलावा उस समय के बाकी जो लोग हैं उनसे जुड़े जो कला समीक्षक हैं, उनके जुड़े आत्मीय लोग हैं, उन्होंने कैसे देखा। तो इसीलिए हम लोगों ने दो खंडों में इसके साथ अनुपूरक सामग्री भी रखी। जैसे खंड दो इसमें है, उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं अब तो ये कला इतिहास का एक हिस्सा है कि ये अपने समय के कल्पना के जो संपादक संपादक रहे या संपादक मंडल के एक सहयोगी बद्री विशाल पित्ती जी, कलकत्ता से प्रयाग जी, यह भी एक कहानी है कि हुसैन साहब से प्रयाग जी पहली बार वो हैदराबाद में ही मिले थे, क्योंकि बद्री बद्री विशाल पित्ती एक सभी कलाओं में बद्री विशाल पित्ती जी की रुचि थी और वो हुसैन साहब उनके यहाँ रहे थे। और ये सब जानते हैं कि महाभारत श्रृंखला के जो कालजयी चित्र हैं, ठीक है ना, ये रामायण श्रृंखला के, महाभारत श्रृंखला के बहुत जो कालजयी चित्र हैं उन्होंने वहां रखी। और इसकी भी कहानी है, उसकी भी इसमें यह है कि मोती भवन, डॉक्टर लोहिया और बद्री विशाल पित्ती, इसमें मकबूल फिदा हुसैन बताते हैं कि कैसे वो गए वहां पर और उन्होंने रामायण श्रृंखला के जो चित्र बनाए। तो वह यह बताते हैं कि लोहिया जी को एक बार वो जामा मस्जिद दिल्ली के करीम होटल में ले गए, तो उन्होंने लोहिया जी ने हुसैन साहब से यह बात कही कि ये जो तुम पेंटिंग बनाते हो, जो बड़े जो उद्योगपति हैं उनके घर में जो लगते हैं, तो तुम्हें यह करना चाहिए कि भैया एक कहानी का चित्रण करना चाहिए और जो जन जन में लोकप्रिय है, राम कथा। तो ये बात को उन्होंने कैसे हुसैन साहब ने लिया और वहां गए और सालों लगाकर अपने ये जो रामायण श्रृंखला के उन्होंने चित्र बनाए, तो चूंकि वो पूरा समय आए तो उसलिए हम लोगों ने इसमें अनुपूरक खंड, तो इसमें खंड दो है हुसैन और बद्री विशाल पित्ती। इसमें तो बद्री विशाल पित्ती जी का हुसैन साहब ने एक पोर्ट्रेट बनाया था, तो पोर्ट्रेट की कहानी करके एक छोटा सा छोटी सी टिप्पणी जो प्रयाग जी की है। इसके अलावा मकबूल फिदा हुसैन ने कैसे लोहिया जी से मिले, बद्री विशाल पित्ती जी से मिले, दूसरे लेख में वो कहानी है। इसके अलावा भी राम कुमार साहब, लक्ष्मण गौड़ साहब और हुसैन साहब के बेटे शमशाद जी ने बद्री विशाल पित्ती को और अपने पिताजी के संबंधों की चर्चा की है। तो यह अनुपूरक सामग्री से इस किताब को पूर्णता देने के लिए अनुपूरक सामग्री रखी गई। ये कोई यह नहीं था कि किताब को है कि इसको भरना है या कुछ इसको मोटा बनाना है, उसके लिए नहीं, इसका अपना एक महत्व है। ठीक इसी तरह खंड तीन में हुसैन और उनका समय, तो हुसैन और उनके समय में प्रयाग जी तो थे ही थे, साथ में जो राम कुमार उनके अजीज मित्र हुआ थे, उनकी एक और अजीज दोस्त जो थे राधा सिद्दीकी जी, उनका एक आलेख है वाराणसी और हुसैन। विनोद जी का है उनके निधन के बाद जो उन्होंने राधा सिद्दीकी जी का इंटरव्यू लिया था वह है। तो अनुपूरक सामग्री इस, चूंकि ये हिंदी में अपने तरह की पहली किताब हुसैन साहब पर आई, तो इसको एक पूर्ण किताब और उसे एक पता चले उनके बहुआयामी व्यक्तित्व, हुसैन साहब के बहुआयामी व्यक्तित्व का पता चले, इसलिए हम लोगों ने अनुपूरक सामग्री ली। इससे जुड़ी बात है कि जैसे कि राम कुमार साहब की चर्चा हुई, हम सब जानते हैं यह भी कला इतिहास का एक हिस्सा है कि मकबूल फिदा हुसैन साहब और राम कुमार साहब एक ही साथ पहली बार बनारस गए हुए थे और वो प्रेमचंद जी के बेटे थे, उनके वो लोग वहां पर उनकी मेजबानी की थी, उनके घर में वो लोग रहे, तो बनारस को उन्होंने कैसे देखा था। तो अब हम लोगों ने प्रयाग जी की जो अगली जो किताब हमने संपादित की है, जो अभी जुलाई के पहले सप्ताह में बहुत संभव है कि वो छपकर आ जाए, उसके लिए हमारी कुछ योजनाएं हैं। और कला प्रेमी जब उसकी अभी हम लोगों ने कुछ चर्चा की, उसके उसका आवरण हम लोगों ने डाला हुआ था, और यह भी है कि जो आवरण जो है राम कुमार की जो किताब का आवरण है, वो उस पर जो राम कुमार जी का चित्र है वो हुसैन साहब ने बनाया हुआ, उनका का पोर्ट्रेट, वह चित्र हम लोगों ने लिया हुआ है। तो जिस तरह से ये हुसैन की छाप किताब है, उस किताब का शीर्षक है राम कुमार कला कथा। कला कथा इसलिए क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो राम कुमार जी थे वो हमारे समय एक बड़े चित्रकार थे,
और उनके जो भाई निर्मल वर्मा तो हिंदी के बड़े कथाकार थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते कि राम गोपाल जी खुद एक बहुत अच्छे कथाकार थे। तो हम लोगों ने जो प्रयाग जी की जो किताब राम कुमार कला कथा हम संपादित हमने की है, उसका शीर्षक हम लोगों ने राम कुमार कला कथा इसलिए रखा हुआ है कि उनका एक और भी बहुत बड़ा पक्ष था, क्योंकि चित्रकार के रूप में राम कुमार जी ने और जिस तरह का अमूर्तन को जिस तरह का देशी देशा स्वरूप दिया, और जितने बड़े कलाकार के रूप में हैं, तो अगर अतिशयोक्ति यह कहना नहीं होगा कि वो एक साहित्यकार या एक कथाकार के रूप में भी राम कुमार जी का बड़ा योगदान था। लेकिन चूंकि उनका चित्रकार के रूप में इतना बड़ा योगदान था कि उनके कथाकार के रूप में जो योगदान था उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया, खासकर जो हमारे जो कला समीक्षा की जो अंग्रेजी की दुनिया में। तो इस किताब की प्रयाग जी की जो किताब है राम कुमार कला कथा, इसके जरिए हमारी कोशिश है कि वो उनके कलाकार होने के साथ साथ उनके जो कथाकार भी थे उस पर भी इस पुस्तक में फोकस किया जाए, तो ताकि राम कुमार जी का एक संपूर्ण परिचय हमारे समय के और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको ये मिल सके। और उसके बारे में भी यही बात है कि उसमें भी जैसे कि हुसैन साहब का उन्होंने देखा, स्वामीनाथन का देखा, और उस समय के कई सारे जो चित्रकार हैं, सैलोज मुखर्जी हैं, आपके अकबर पदमसी, सब पर उन्होंने लिखा है। उस पर आप अगर उसकी अगर एक लिस्ट गिनाई जाए तो इसमें तो वो पूरा आपका इस ये है 623-623 पेज की किताब में अपने समय के जितने भी समकालीन से लेकर बहुत सारे युवा कलाकारों पर भी प्रयाग जी लिखते रहे हैं। तो जो हुसैन साहब की बात है वही बात राम कुमार वाली में भी, उसमें भी उस प्रयाग जी का जो एक 15-16 लेख है उससे यह पता चलता है वो हर दौर के राम कुमार, क्योंकि यह भी हम सब जानते हैं कि जब मेरा ख्याल है सन 1966 में जब हैदराबाद से कल्पना छोड़कर ये आए एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में उन्होंने काम करने का निर्णय लिया और वो दिल्ली आए, तो कई महीनों तक वो राम कुमार जी के स्टूडियो में रहे। उन्होंने इस किताब में राम कुमार कला कथा में यह भी बताया कि कैसे वो उन्होंने एक जब वो एक कॉलेज के विद्यार्थी थे और राम कुमार जी कला से जुड़े सेमिनार में कलकत्ता गए थे, तो पहले से उनका वो परिचय था उनसे। ये उस समय कलाकार के रूप में प्रयाग जी, जैसे कि हमने अपने बारे में कहा कि भैया हमारा जो परिचय प्रयाग जी से था एक पत्रकार के रूप में और एक कला लेखक समीक्षक के रूप में प्रयाग जी से मेरा शुरुआती परिचय हुआ, ठीक उसी तरह से जब कॉलेज के दिनों में थे और पहली बार जब वो कलकत्ते में प्रयाग जी का घर था, वहां राम कुमार जी कला सेमिनार में गए थे और उनसे वो मिले, और ये एक अच्छा संयोग था क्योंकि उस समय तक प्रयाग जी ने बताया कि उनको एक कथाकार के रूप में प्रयाग जी ज्यादा जानते थे, उनकी कहानियां खोज खोज करके पढ़ते थे, और ये एक अच्छा संयोग बना कि उनकी जो कुछ कहानियां उस समय तक प्रयाग जी भी लिखने लगे थे, कॉलेज के छात्र कहानियां लिखने लगे थे और कुछ पत्र पत्रिका में जो उनकी छिटपुट कहानियां थी तो राम कुमार जी ने भी पढ़ रखी थी, इसलिए जब वो कलकत्ते से फिर वो कल्पना में गए बद्री पिताशाल जी की पत्रिका में और फिर जब दिल्ली लौटे तो राम कुमार जी के स्टूडियो में कई महीने रहे, इसकी भी चर्चा है इसमें। तो कितना लंबा उनका संबंध रहा राम कुमार जी के साथ, और व्यक्तिगत संबंध भी रहा, और कला के वो अलग अलग दौर को उन्होंने देखा। शुरू में जैसे राम कुमार जी जानते हैं कि वो जो क्या कहा जाता है कि फिगरेटिव आर्ट के उनके काम थे, वो भी बहुत खूबसूरत काम थे, उसमें से कुछ काम तो यूरोप के स्केच उनकी किताब का जो पहला संस्करण था उसमें है। विनोद भारद्वाज जी अभी भी याद करते हैं कि वो कितने सुंदर वो रेखा चित्र थे, और वो उस समय कोई परवाह नहीं करता था, वो खो गए कहीं प्रकाशक के पास रह गए, खो गए जो भी हुए। तो उस दौर से राम कुमार जी को एक कथाकार के रूप में और करीब करीब आधी मतलब 50 वर्षों से कथाकार के रूप में भी और एक कलाकार के रूप में उनका परिचय है। तो उससे भी जो नए जो कला नवोदित या युवा कलाकार हैं, कला के छात्र हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए यह भी जैसे कि हुसैन की छाप को और कला की दुनिया में को एक बहुत बड़ा जो वर्ग है युवाओं का हिंदी भाषी पाठक, उसमें
उसमें कलाकार हैं, शोधार्थी हैं, युवा कलाकार हैं, नवोदित कलाकार हैं, कला प्रेमी हैं, कला रसिक हैं, सब लोगों ने जिस तरह से इन दोनों किताबों को अपना स्नेह दिया और इनसे एक तरह की आत्मीयता महसूस की कि चलो भैया कि हमें ये पता चल रहा है कि कला का प्रदर्श्य कितना विस्तृत रहा है, तो कला की दुनिया में जो प्रयागी की किताब है उसे पता चला। ठीक उसी तरह से हुसैन साहब के बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में, ये हुसैन की छाप से बहुत सारी बातें पता चलती है, और ठीक उसी तरह से राम कुमार कला कथा भी उसी तरह की किताब है जो अत्यंत पठनीय किताब है। और इन सारी किताबों से जो है कि जो एक बात कही जाती है कि हिंदी में कला की किताबें कम है, लोग पढ़ना चाहते, इतना विशाल हिंदी भाषी पाठक समुदाय है जो जिसमें बहुत सारे इतने सारे कॉलेज हैं जिससे निकलने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनका आज गैलरी में जाना शुरू हुआ है, दृश्य कला के प्रति उनका एक एक रुझान हुआ है। क्योंकि एक बार जब आप अपना पूर्वाग्रह दूर कर लेंगे और पेंटिंग आप देखने जाने लगेंगे, संग्रहालयों में जाने लगेंगे, और आप कला वीथिकाओं में जाने लगेंगे, कलाकारों से मिलने जुलने लगेंगे, उस एक पर्यावरण का हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा, सम्मोहित करेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि जो मतलब छोटे मोटे हैं कि मतलब उनकी उतनी आय नहीं है और अभी उस तरह से वो आर्ट कलेक्टर भी नहीं है, लेकिन उनको है कि नहीं भैया कोई पेंटिंग, वो कलाकार भी नहीं है, वो कोई रिसर्च भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आस्वाद लेने के लिए भी वो निरंतर संग्रहालयों में जाते हैं, गैलरीज में जाते हैं, कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं, कला भाषा के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो इस दिशा में ये सारी किताबें प्रयागी का एक बड़ा अवदान है। और इसके इसके साथ यह भी है कि प्रयागी की एक और बहुत अच्छी बात है कि वो जैसी कि पिछले कई पीढ़ियों से उनकी बड़ी आत्मीयता रही है, आज भी वो किसी नए कलाकार से, जैसे कि हमें याद आ रहा है कि जब ये कला की दुनिया में किताब का जब लोकार्पण हुआ, बहुत सुंदर छोटा सा मित्रों के पीछे, और उसमें हर पीढ़ी के बहुत छोटे थे, 20-25 लोग थे, लेकिन उसमें साहित्य से जुड़े भी उनके मित्र थे, कलाकार मित्र थे भी थे, मझोले आयु वर्ग के लोग भी थे, और बिल्कुल नवोदित कलाकार भी उस आयोजन में आए हुए थे, और सबके साथ जैसे वो सहज संबंध अपने बातचीत से वो बना लेते हैं, जाकि यह भी एक बड़ी खूबी है, उनसे वो संबंध बना लेते हैं, उनसे वो चर्चा करते हैं, कला से जुड़ी ज्यादातर जो बातें हैं जो अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो यह एक है, एक यह एक परंपरा, एक स्वस्थ परंपरा है कि जो पिछली पीढ़ी ने जो कुछ अर्जित किया है उसका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण अगली पीढ़ी में होना चाहिए, और ये जरूरी है ताकि कला का आस्वाद लेने का, कला पर लिखने पढ़ने का, कला देखने का, खास तौर से कला को देखने का, समझने का नहीं, कला के पर्यावरण में कला देखने का और कला में की दुनिया में, दृश्य कला की दुनिया में रचने बसने का एक अभ्यास निर्मित हो सके, तो इसमें प्रयागी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। एक अच्छी चर्चा रही और इसके बहाने हम लोग प्रयाग शुक्ल जी के कला पक्ष से भी अवगत हो सके। मित्रों, आज की इस चर्चा में हुसैन जी की भी काफी चर्चा रही, क्योंकि वे प्रयाग शुक्ल जी के साथ निकट जुड़े रहे और प्रयाग जी ने उन पर काफी कुछ लिखा भी, और मकबूल फिदा हुसैन पर आज की इस कड़ी में और कल की भी कड़ी में हम लोगों ने इसलिए भी चर्चा की कि यह माह उनकी पुण्यतिथि का माह भी है। आज से 11 वर्ष पूर्व 9 जून को मकबूल फिदा हुसैन हमसे भौतिक रूप में विदा हुए थे। तो यह भी एक उद्देश्य है कि इसके बहाने, इन परिचर्चाओं के बहाने हम ऐसे लेजेंड को भी याद करते रहें। मुझे ध्यान है कि 9 जून को ही अपनी एक पोस्ट में प्रयाग शुक्ल जी ने हुसैन साहब को याद करते हुए कुछ
कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी, मैं आज उसे यहां पर रखता हूं। प्रयाग जी अपनी उस पोस्ट में लिखते हैं, आज अप्रतिम कलाकार मकबूल फिदा हुसैन की पुण्यतिथि है। उनके और उनकी कला के साथ जो भी समय बीता वह याद आता रहता है। मात्र 23 वर्ष का था मैं जब हैदराबाद में कल्पना कार्यालय में 1963 में उनसे पहली बार भेंट हुई थी। वह कल्पना के संपादक संचालक बद्री विशाल जी के यहां आते रहते, चित्र बनाते। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी सहजता और गरिमा थी जो अपनी ओर खींचती थी। फिर जब मैं 1964 में दिल्ली आ गया और रामकुमार जी के स्टूडियो में 3 महीने रहा तो उनसे फिर भेंट होने लगी। आज अभी आपने अभिषेक जी के भी वक्तव्य में सुना कि कैसे रामकुमार का पोर्ट्रेट हुसैन बनाते हैं। तो यह कलाकारों का जो कलाकारों की जो आपसी संगत है यह भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इन सब पर भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रयाग जी आगे लिखते हैं, तो जब मैं राम कुमार जी के स्टूडियो में 3 महीने रहा तो उनसे फिर भेंट होने लगी। वह राम कुमार जी से मिलने आया करते थे। दिल्ली रहते हुए उनके साथ फिर तो मिलने जुलने का यह जो सिलसिला शुरू हुआ वह कभी थमा ही नहीं। आज के दिन मुंबई में हूं, ये 9 जून की बात है, तो यह भी याद आ रही है यह बात कि एक बार मुंबई में यहां उनसे भेंट हुई थी जब मैं और मेरी पत्नी ज्योति गजगामनी का सेट और उनकी और उसकी शूटिंग देखने गए थे। सेट तैयब मेहता का बनाया हुआ था। हुसैन साहब हमें देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें देखकर हम। इस तरह से बाद में फिर इस किताब की भी चर्चा करते हैं अभिषेक जी, जिसकी बात आपने विस्तार से की। और मित्रों, एक बात यहां पर और कर लें जाते जाते, एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक कला पर ही केंद्रित, स्वयं कलाकार द्वारा लिखित निरखे वही नजर, यह रजा पुस्तक माला के अंतर्गत राजकमल से प्रकाशित है। जब हम स्वयं गुलाम मोहम्मद शेख जी पर एकाग्र कर रहे थे तब भी इस पुस्तक पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई थी और शेख साहब से लंबी बातचीत भी हुई। स्वयं आज के एक बड़े कलाकार, कवि, लेखक गुलाम मोहम्मद शेख कैसे याद करते हैं अपने इस चित्रकार को, अपने इस अग्रज को, इसे सुन लेते हैं। हुसैन साहब को याद करते हुए शेख जी लिखते हैं, मैंने सबसे पहले हुसैन को देखा तब मैं 1956-57 में फाइन आर्ट्स के दूसरे या तीसरे वर्ष का विद्यार्थी था। बेंद्रे साहब ने उनको बुलाया था। उस जमाने में चित्र बनाकर दिखाने का कुछ वैसा चलन था जिस प्रकार संगीतकार गाकर सुनाते हैं। बेंद्रे साहब हमेशा कक्षा में विद्यार्थियों को इस तरह डेमोंस्ट्रेशन, रेखांकन या चित्र बनाकर दिखाते। हमने हुसैन को इससे पहले कभी नहीं देखा था और आज जब वे हुसैन जी के गुजरने के बाद इस आलेख को लिख रहे हैं और आज मन में उस समय का स्पष्ट चित्र नहीं उभरता कि तब वे कैसे दिखाई देते थे। फिर भी 1961 में मैंने उन पर एक लेख लिखा था जिसमें उनका वर्णन कुछ इस प्रकार किया था और आगे गुलाम मोहम्मद शेख उनकी कदकाठी का वर्णन करते हैं। और जिस 1961 की बात कर रहे हैं अभिषेक जी, शेख साहब, वह क्षितिज पत्रिका के जुलाई 1961 अंक की बात है। उसमें अपने उस लेख में गुलाम मोहम्मद शेख लिखते हैं,
मकबूल फिदा हुसैन के लिए, ऊंचा लंबा जिसे चीन में सदगृहस्थ की उपमा देते हैं, वैसा बांस जैसा शरीर, काली दाढ़ी में उतने ही सफेद बाल, मितभाषी और काफी कुछ कहने वाली आंखें। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने चित्र कैसे बनाया। शुरुआत में तूलिका के स्ट्रोक से और फिर शायद पैलेट नाइफ से, पीले मटीले योलो ओकर रंग से वाइल पेपर पर मोटे बैल जैसा जानवर बनाया था। सभी शिक्षक और विद्यार्थी उन्हें घेरे हुए, टकटकी लगाए देखते ही रह गए थे। एक लंबा आलेख है गुलाम मोहम्मद शेख जी का, जिसका अनुवाद, गुजराती से अनुवाद किरण सिंह जी ने किया। और अपने इस लेख के अंत में बड़ी मार्मिक बात करते हैं गुलाम मोहम्मद शेख। उनके जाने के बाद वे लिखते हैं, आज भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन पहली बार देखा था वैसा ही बांस की लकड़ी जैसी तनी हुई और बाद में खुले पैरों घूमती हुई वही देह आंखों के सामने तैरती रहती है। तो एक कलाकार अपने अग्रज कलाकार को किस तरह याद करता है, किस तरह श्रद्धांजलि देता है, यह गद्य उसका भी नमूना है। क्योंकि आज हुसैन जी पर चर्चा हुई, कल भी हुई, प्रयाग जी के इस एकाग्र के बहाने हुई, तो ऐसे में मुझे लगा कि इस प्रसंग को भी यहाँ पर रख दिया जाए। तो एक अच्छी चर्चा रही अभिषेक जी आपके माध्यम से, और काफी समय भी हो गया, तो अब हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपके माध्यम से प्रयाग शुक्ल जी के कलाकार और इससे भी बढ़कर कला समीक्षक पक्ष पर आज चर्चा हो सके। स्वयं एक आज एक चीज और जोड़ना चाहेंगे जो ध्यान से उतर गया था, जैसे कि हुसैन साहब के जो आधिकारिक जन्मदिन 17 सितंबर पर इस हुसैन की छाप का लोकार्पण हुआ, वह एक ऐतिहासिक क्षण इस लिहाज से भी था कि दिल्ली की धूमिमल गैलरी में 17 सितंबर को इस किताब का लोकार्पण हुआ और उस दिन कलाकार के रूप में प्रयाग जी की पहली एकल प्रदर्शनी भी हुई जी। तो अब जो प्रयाग जी का पिछले एक लॉकडाउन जब लगा कोरोना के बाद, तो कई चीजें उसमें बुरी घटित हुई लेकिन कई चीजें बहुत अच्छी घटित हुई। जैसे कि प्रयाग जी, हालांकि दिनमान के समय में उनके दोस्त बताते हैं, जैसे त्रिलोकदीप जी हों और कई लोग बताते हैं कि जब वो कोई कला किसी गैलरी से या संग्रहालय से कुछ देखकर लौटते थे तो लिखते भी थे, और कई बार यह होता था कि वो अपने आप को वो कुछ फूल बना दिया, कुछ पत्ती बना दिया। तो ये चीज तो एक कलाकार का, एक लंबे समय से कलाकारों के बीच रहती हुई और एक सहज कला प्रतिभा तो प्रयाग जी में थी ही, और वो जब एक बहुत लंबा अवकाश मिला कोरोना के की वजह से लॉकडाउन के दौरान, तो अब तो प्रयाग जी का लिखने के साथ साथ लिखना कम हो गया बल्कि उनका अब एक वो नई भूमिका में है और बहुत निरंतर वो अपनी एक कला भाषा रचने की ओर अग्रसर है और बहुत अच्छे चित्र बना रहे हैं। और ये एक इतिहास ही होगा कि भाई इतने लंबे 80 साल के बाद कोई एक है जो जिसका उद्भव एक कलाकार के रूप में हो रहा है, तो ये इस मायने में भी पिछले साल जो 17 सितंबर को हुसैन साहब का जो कि जो आधिकारिक जो जन्म दिवस है या अवतरण दिवस है उस पर हुसैन की छाप किताब का भी लोकार्पण हुआ और वह अवसर दिल्ली की धूमिमल आर्ट गैलरी देश की सबसे पुरानी गैलरी है, इंडिया ओल्डेस्ट आर्ट गैलरी है, वहां उनकी एकल प्रदर्शनी का भी उस दिन आगाज हुआ। तो अब हम लोग उनकी जो बहुमुखी और बहुविध सक्रियता है, उनकी प्रयाग जी की जो बहुमुखी प्रतिभा है, तो अब हम लोग उसमें जो उनका कवि कथाकार और वो कला समीक्षक
कला लेखक अनुवादक, अनुवादक भी वो भी एक पक्ष छूट गया है कि उन्होंने बांग्ला से कई बहुत महत्वपूर्ण किताब, गीतांजलि से बहुत महत्वपूर्ण किताबों का, शंख घोष जैसे बड़े कवि जिनको ज्ञानपीठ मिला, उनकी कविताओं का अनुवाद किया है। तो मेरा ख्याल है कि जो 22 जो कड़ी जो आपने किस पहले की, इन सब पर जरूर उनके अनुवादक के व्यक्तित्व जी, पर भी चर्चा अनुवादक होगी। पक्ष में चर्चा हुई जी विस्तार जी उस पर चर्चा होगी। हाँ, लेकिन ये पक्ष भी छूट रहा था कि अब उनको एक कलाकार के रूप में, एक सुपरिचित से। जी और एक संवेदनशील कलाकार को भी कला समीक्षक, कला लेखक के रूप में, अब कला की दुनिया में उनकी उपस्थिति, कला लेखक और आपका कला समीक्षक, आर्ट क्यूरेटर के साथ साथ उनकी अब एक भूमिका कलाकार के रूप में स्वयं भी एक रह रहा है। आर्टिस्ट की थी और हाँ, कई एक लोग इस कलाकार कार्यक्रम में की। कह भी रहे थे, जिस कार्यक्रम की आप जी बात कर रहे हैं, जिस लोकार्पण की, कि जी लगभग 80 पार के बाद की उम्र में इस तरह से पेंटिंग की दुनिया में प्रवेश करने के उदाहरण भी कम हैं, तो यह जी बात जी भी जी वहां कोई रख रहे हाँ, थे। निश्चय न के बराबर है। तो जी, निश्चय इस ही पक्ष की चर्चा हो गई। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने प्रयाग जी के में, कला की दुनिया में प्रयाग जी पर का के योगदान पर हम लोगों ने एक अच्छी चर्चा की आपके जनसुलभ पुस्तकालय के माध्यम से। तो जनसुलभ पुस्तकालय आपको और हमारे साथ जो हमारे जो श्रोतागण और जो हमारे मित्र परिचित जो जुड़े, और हम बीच बीच में देख रहे थे बहुत अच्छे उस पर कमेंट आ रहे थे, उन सबका हृदय से आभार। और मेरा ख्याल है कि ये करीब करीब 1.5 घंटे की बातचीत हो गई, ये जो हाँ जो घड़ी बता रही है, और समय का इतनी अच्छी और इतनी मेरा ख्याल है कि दिलचस्प बातचीत हो कि समय का पता नहीं चला। तो मेरा ख्याल है कि अब इस क्रम को यहाँ ये किया जाए। शुभ रात्रि। बिल्कुल, शुभरात्रि अभिषेक जी, और जी धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। तमाम मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र जारी है, कल जी एक नई कड़ी में मिलते हैं। धन्यवाद।